आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आपने स्पेयर पार्ट वाला डॉट इन वेबसाइट से किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर प्लेस किया है तो उसको हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी ब्राउजर में स्पेयर पार्ट वाला डॉट इन वेबसाइट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे देखना है, ये देखिए ये नीचे का बार है, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे है ट्रैक ऑर्डर, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, ऑर्डर आईडी बिलिंग ईमेल, ये दोनों ही रिक्वायर्ड है, आपको ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे केस में मेरा ऑर्डर नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 14241। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी बिलिंग एड्रेस ईमेल आईडी जो है वो डालूंगा sunil@gmail.com। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ट्रैक है उसको ट्रैक को बटन को दबा देना है। जैसे आप इसमें आपको ट्रैक को बटन को दबाएंगे तो आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी कि आपके ऑर्डर के ट्रैकिंग आईडी क्या है। तो ऑर्डर के ट्रैकिंग आईडी ये है, ये देखिए आपको दिख रही होंगी, यही सबसे मेन चीज़ आपके काम की चीज़ यही है। यहाँ पर जो देखिए ये शिपिंग नंबर जो है आपका FR10 जो है ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अपने केस में इसको यहाँ से कॉपी कर देना है इस नंबर को। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद जो है अपना काम है कि आपको इंडियन पोस्ट की वेबसाइट में जाना है। इंडियन पोस्ट की वेबसाइट में जाने के लिए आपको indianpost.gov.in पर ट्रैक कंसाइनमेंट नंबर ट्रैक कंसाइनमेंट सर्च कर लेना है। आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट जो है वो ओपन आएंगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कंसाइनमेंट और रेफरेंस। आपको कंसाइनमेंट में क्लिक करके आपको एंटर कंसाइनमेंट नंबर में डालना है। जो मैंने कोड आप उस टाइम जो कॉपी किया था मैं वो कोड डाल दूंगा यहाँ पे FR10145U955U और लास्ट में जो है IN। ठीक है, किसी भी ट्रैकिंग आईडी कोड में लास्ट के दो डिजिट IN ही होते हैं। कोई कोई कस्टमर इसमें गलती करते हैं कि इसको वन समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको कैप्चा में एंटर द फिफ्थ नंबर, तो यहाँ में जो भी फिफ्थ नंबर है वो डालना है अपने को। 6 नंबर है यहाँ पे, फिफ्थ नंबर पे 6 नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसमें सर्च में क्लिक कर देना है। जैसे हम सर्च में क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन पोस्ट आपको बताएंगा कि आपका पार्सल की डिटेल क्या है। बुकेड एड अर्जुनी मोर्गा, ये देखिए ये बुक हुआ है, बुकेड की डेट बता रहा है, डेस्टिनेशन पे, ये आपका पिन कोड है जिसमें आपको पार्सल को पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी लोकेशन, ये लोनी एसओ यानी आपका जो सब पोस्ट ऑफिस है वो लोनी है। उसके बाद अपने मेन काम की चीज़ जो है वो ये है, करंट स्टेटस आइटम बुकेड, ये आपको देखना है। अभी क्या है कि ये 25 तारीख का ऑर्डर है तो 27 तारीख को ये यहाँ से गया है, यानी अभी आइटम बुक हुआ है। जैसे ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर उससे आगे पहुँचेगा तो यहाँ पे और नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे ये अपडेट होते रहेगा और यहाँ पे आइटम बुकेट के जगह पे इन ट्रांजिट दिखाएंगे या तो फिर आपको बताएंगा कि इस पोस्ट ऑफिस में रिसीव हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है आपको ये ट्रैक करने का। और अगर बात करें आप इसको ऐसे ट्रैक भी नहीं करते तो आप अपनी मेल आईडी चेक कीजिए, आपके मेल आईडी पे हम ये जो ट्रैकिंग जो डिटेल होती है ये हम आपको शेयर करते हैं आपके मेल आईडी पे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी मेल आईडी है उसमें हम आपको ये डिटेल शेयर कर देते हैं।